तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने पास मेगाट्रॉनिक आया है। ये जो मेगाट्रॉनिक है ना, ये अपने पास आया है औरंगाबाद से। और औरंगाबाद से वो भी किधर से है, आप देख सकते हैं, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है ऑटो हब मयूर राजमहल। तो यहाँ से ये अपने पास आया है, ये मेगाट्रॉनिक चेकिंग के लिए प्लस रिपेयर के लिए। तो सामने वाले ने कहा पहले आप मुझे चेक करके बता दो क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद जो भी आपका रिपेयर का कॉस्ट रहेगा वो मुझे बता देना। तो मैं बोला ठीक है। तो अपने पास ये चेकिंग के लिए आया है औरंगाबाद से, मैं इसको चेक करूँगा, मशीन पे टेस्ट करूँगा, फिर जो भी रहेगा हम जानेंगे वीडियो में। तो जैसे कि अभी मैं इसको मशीन पे लगा दिया हूँ, सेट कर दिया हूँ, और इसके जो TCM है, TCM का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पे कि TCM को कैसे ट्रेस करते हैं। तो उसका तो नहीं डालूँगा क्योंकि उसका ऑलरेडी वीडियो पड़ चुका है। हम ये चीज़ को चेक करेंगे कि हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें क्या अच्छा है क्या ख़राब है, ये चीज़ हम जानेंगे और तो देखते हैं। तो पहले मैं इसको सेट करता हूँ। अभी सेट करने से पहले मुझे इसमें ऑयल डालना पड़ेगा, तो ऑयल भी मैं डाल के ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑयल डाल लेता हूँ इसमें। ये काफ़ी दूर से आया है और बहुत सारा आया है, और भी मेरे पास टेस्टिंग के लिए आया है, वो सब मैं दिखाता हूँ। कचरा चला गया है, ये देखो। तो चलो इसमें मैं ऑयल डाल के ले लिया हूँ। अब लगाता हूँ इसका सॉकेट। तो सॉकेट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से आएगा बस। तो चलो ये हो गया है, अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। उससे पहले ये भी हम सॉकेट लगा के ले लेते हैं। ये जो सॉकेट है ये प्रेशर सेंसर का है। क्योंकि कैसे सामने वाला उतनी दूर से भेजा है। चलो ये हो गया है, अब हम लगा लेते हैं K1 K2 का फॉक, फिर उसके बाद इसको करते हैं ऑपरेट। तो अभी जैसे मैं कनेक्ट करके ले लिया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा इग्निशन ऑन ऑफ करता हूँ। फिर पहले मैंने इसकी पंप की ऑपरेटिंग चेक करूँगा। ये देखो, ये जो पंप का प्रेशर है ना, ये कम से कम 7 से 8 बार रहना चाहिए। ये देखो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसका फॉक चेक करेंगे, ये K1 K2 का। K1 K2 है, ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये अभी दोनों अपना, ये देखो ये K1 हो गया और ये K2 हो गया। तो ये जो है ये अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है और अपना जितना शिफ्टर है सारा शिफ्टर काम कर रहा है। तो मैं जो टेस्टिंग करता हूँ नहीं नहीं करके आधी से 1 घंटा इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी मैं बना के आगे भेजता हूँ ना, फिर पहुँचने के बाद उधर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अभी सारा टेस्टिंग हो गया है। चलो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको वापस से सारा सिस्टम एक्टिवेट करके छोड़ देता हूँ।
देखो, ये वॉल बॉडी को मैं खोला था और खोलने के बाद ना इसमें मशीन पे लगाया, मशीन पे जैसे मैं दिखाया ये प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये जो वॉल बॉडी है ये वॉल बॉडी अच्छा है और इसका जो टीसीएम प्लेट है वो खराब है। तो हम क्या करेंगे, वो टीसीएम प्लेट चेकिंग का ट्रेसिंग का ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, इसलिए उसको नहीं लिया। तो मैं उसमें इसमें ना ब्रांड न्यू टीसीएम डालूंगा और इसमें ही लगा के मैं इसको वापस से शिप आउट कर दूंगा, क्योंकि ये चीज चेक किया ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर वगैरह जितना बिल्डअप होना चाहिए उतना प्रेशर बिल्डअप करता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओके है। तो जो भी इसका प्रॉब्लम था सारा प्रॉब्लम हुए सॉल्व, और जो भी था टेस्टेड में मैं चेक किया ऑल ओके है, मैं टीसीएम डालूंगा सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको पहुंचता रहे।